ओलंपिक खेलों में 23 साल की भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी। अब तक 48 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और हाथियों के चारे के लिए खराब धान खरीदने के निर्णय को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप। और प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के खिलाफ दर्ज सूक्ष्म मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू। राजनांदगांव जिले में 245 प्रकरण वापस लिए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। ओलंपिक खेलों में 23 साल की भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है। सेमीफाइनल मुकाबला हारने के बावजूद लवलीना ने इतिहास लिख दिया। 69 किलोग्राम वेट कैटेगरी के इस मुकाबले में लवलीना वर्ल्ड की नंबर वन बॉक्सर तुर्की की बुसेनाज सुरमेली के खिलाफ मैदान पर उतरी थी। लवलीना ओलंपिक में भाग लेने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी हैं। सेमीफाइनल मुकाबले के बाद लवलीना ने कहा, पदक जीतने की खुशी है, पर जितना सोचा था उतना हासिल नहीं कर पाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट संदेश के जरिए लवलीना को बधाई देते हुए कहा कि इस सफलता से युवाओं, विशेषकर महिलाओं को प्रेरणा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लवलीना से फोन पर बात कर उन्हें पदक जीतने की शुभकामनाएं दी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी लवलीना को शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। देश में अब तक 48 करोड़ 52 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 62,53,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। केंद्र सरकार के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 50,37,000 से ज्यादा टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 2,60,000 से अधिक टीके अभी भी राज्यों के पास उपलब्ध हैं। वहीं विभिन्न राज्यों को 49,19,000 टीके जल्द ही दिए जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 1,24,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 99,78,000 से ज्यादा लोगों को पहला टीका लगा है, जबकि 23,81,000 से अधिक लोगों को कोविड का दोनों टीका लगाया जा चुका है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 42,625 नए मामलों की पुष्टि हुई। वहीं कल 36,600 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इस समय देश में 4,10,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97% से अधिक है। अब तक 3,09,00,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 142 नए मरीजों की पहचान हुई। राज्य में करीब 1,800 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। केंद्रीय मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना जांच की संख्या में तेजी लाई गई है। अब तक 47,31,00,000 लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल 40,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। इस बीच राज्य सरकार ने वायु मार्ग से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार इन यात्रियों के लिए कोविड-19 की आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। ये नई व्यवस्था 8 अगस्त से लागू की जाएगी। इसके तहत ऐसे यात्री जिन्होंने कोरोना के दोनों टीके लगवा लिए हैं, उन्हें भी 96 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर जांच की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। केवल आईसीएमआर द्वारा स्वीकृत और प्रमाणित पैथोलॉजी लैब की आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट मान्य की जाएगी। रिपोर्ट नहीं होने की स्थिति में विमानतल पर आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा। एयरपोर्ट में जांच के लिए सैंपल देते समय यात्री की फोटो, परिचय पत्र और मोबाइल नंबर देना होगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए ये सतर्कता बरती जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दावा किया है कि हाथी मानव द्वंद को रोकने के लिए हाथियों को चारा देने का प्रयोग सफल रहा है। आज रायपुर में वन मंत्री ने मीडिया कर्मियों से चर्चा में बताया कि राज्य के सूरजपुर, धरमजयगढ़ और बालोद वन मंडल के अलग अलग स्थानों पर हाथियों को चारा देने के लिए धान रखा गया था। प्रयोग के तौर पर की गई ये प्रक्रिया सफल रही और हाथियों ने धान खा लिया। भोजन मिलने पर हाथियों के हमले की घटनाओं में कमी आने के आसार हैं। श्री अकबर ने कहा कि प्रायोगिक तौर पर शुरू की गई इस योजना के लिए धान की खरीदी नहीं की गई है, बल्कि विभागीय अंतरण के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। द्वारा ये बयान दिया गया कि 2050 रुपए में धान क्यों खरीदा गया, तो वन विभाग ने कोई धान नहीं खरीदा है, ये खाद्य विभाग की तरफ से ट्रांसफर है। विभाग एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया है, कोई खरीदी नहीं हुई। कुछ साथियों का ये आरोप था कि क्या पूरे राज्य में धान रखेंगे, ऐसा नहीं है। 16 विचरण दल है और वो विचरण दल जिस जिस गांव में मूवमेंट होगा उस गांव में धान रख के प्रयोग किया जाएगा ताकि मकानों को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। श्री अकबर ने यह भी बताया कि हाथियों में रेडियो कॉलरिंग लगाने के काम के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिल चुकी है और जल्द ही ये कार्य शुरू किया जाएगा। एक प्रयोग के तौर पर हाथी जाते हैं और मकानों को क्षतिग्रस्त करके खाने की वस्तुओं को बाहर निकालते हैं। अब अलर्ट सिस्टम के जरिए जब संबंधित गांव में सूचित किया जाएगा कि हाथियों का दल इस ओर आ रहा है, तो ये जो 16 दल हैं इन्हीं क्षेत्रों में, पूरे राज्य में नहीं, इन्हीं क्षेत्रों में धान की व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि हाथियों का जब दल आए तो पहले लोगों को अलर्ट करें कि आप सुरक्षित स्थान पर चले जाओ और धान के बोरों को वहां पर रख दिया जाए ताकि हाथी आए और यदि उनको खाने का मिल जाएगा तो फिर मकानों को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे। ये एक प्रयोग है। वन मंत्री ने बताया कि बहुउद्देशीय गजराज वाहन के उपयोग से प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाई जा रही है। वहीं संचार माध्यमों से ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के पहुंचने की सूचना पहले ही देने की व्यवस्था की गई है जिससे लोग सतर्क रहें। इस बीच प्रदेश के अनुपूरक अनुमान बजट में किए गए प्रावधानों और हाथियों के चारे के लिए खराब धान खरीदने के निर्णय को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राजस्व मद पर खर्च के लिए कर्ज लिया जा रहा है जो कि प्रदेश के लिए नुकसानदायक है। जब पूंजीगत व्यय कम होते जाते हैं, ब्याज बढ़ता जाता है, तो आपके पास डेवलपमेंट के लिए पैसे बचते नहीं है। आप हमने जो कर्ज लिया था सड़क, पुलिया, स्कूल, अस्पताल के लिए लिया था, ये जो कर्ज ले रहे हैं वो ऐसे उत्पादक हैं जो राजस्व मद में खर्च हो रहे हैं। पूंजीगत व्यय में लिया गया कर्ज कभी खराब नहीं होता। पूंजीगत एसेट्स निर्माण के लिए लिया गया कर्ज हमेशा अच्छा होता है क्योंकि स्टेट की प्रॉपर्टी बन जाती है, मगर राजस्व मद में किया गया खर्चा यानी अब हमेशा सरकार के लिए नुकसानदायक होता है। और अभी जो बढ़ रहा है वो राजस्व मद में ज्यादा से ज्यादा कर्जा लो और बांटो। दूसरी ओर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कों और अधोसंरचना का विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है और इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन बनाया गया है और उसको लगातार राशि दी जा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता में आप बजट भी देखेंगे, अनुपूरक बजट भी देखेंगे तो पहला काम है हेल्थ जिसके लिए अनुपूरक में राशि दिया गया है, दूसरा काम है पेयजल, जल जीवन मिशन के लिए राशि दिया गया है और तीसरा प्रमुख काम है सड़कों का विस्तार और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। अभी तो शुरू हुआ है ना, इस साल के बजट से राशि आना शुरू हुआ है, हमने कुछ राशि कर्ज के रूप में लिया है, सड़कों को चिन्हित करने का काम अभी कुछ महीने ही शुरू हुआ है,
आने वाले समय में ये सड़कें आपको दिखाई देंगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने राज्य सरकार द्वारा हाथियों के चारे के लिए खराब धान की खरीदी की योजना पर भी सवाल उठाए। आज है कि ऑक्शन में तो 1400 रुपए में बिक रहा है धान, और हाथी को खिलाने के लिए सारा धान 2000 में खरीदेगा फॉरेस्ट विभाग। ये भी अद्भुत विभाग है फॉरेस्ट। यदि हाथी को खिलाने के लिए, जिस हाथी का रूट अभी तक तय नहीं हुआ है, वो हाथी को खिलाने के लिए धान को क्या पूरे जंगल में फैला देंगे? क्या हाथी के लिए जैसे गौठान योजना बनाया वैसी कोई योजना बनाने वाले हैं? मंत्री श्री चौबे ने कहा है कि आमतौर पर ये देखा गया है कि गांव के जिस घर में महुआ या धान होता है, हाथी वही हमला करते हैं। श्री चौबे ने कहा कि ग्रामीणों को जानमाल के नुकसान से बचाने के उद्देश्य से सरकार हाथियों के लिए चारा उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है। आज भी गांवों में हाथियों का जो प्रवेश होता है, तो जिनके यहाँ महुआ रखा है या जिनके यहाँ धान रखा है, उसी जगह में हाथी जा करके हादसा करते हैं। तो विभाग ये सोच रहा है कि अगर धान खाने के लिए हाथी आता है, तो उसके लिए कुछ गांव के बाहर व्यवस्था कर दिया जाए, तो गांव वालों को नुकसान ना हो। अब इतनी छोटी बात में भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, ये तो उनके विवेक पे छोड़ते हैं। लेकिन ये हाथी मानव द्वंद को रोकने की दिशा में वन विभाग का एक पहल मात्र है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर सिंह ने शराबबंदी के मुद्दे पर भी राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट सहित अन्य कई छोटे मामलों पर दर्ज प्रकरणों को वापस लेने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में 245 प्रकरण खत्म कर दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रकरणों की वापसी के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति के अनुशंसा पर राजनांदगांव जिले में अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रकरण वापस लिए गए। लोक अभियोजन के उपसंचालक डी.के. जैन ने बताया कि प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया वर्ष 2019 से चल रही थी। प्रकरणों की वापसी से 280 लोगों को फायदा मिला है। एसटी वर्ग के जो लोग हैं, नक्सली क्षेत्र में रहते हैं, उनके प्रकरण वापसी के लिए पटनायक कमेटी का गठन किया था। जिला राजनांदगांव में कुल 245 केस जो है वापसी के अनुशंसा हुई थी, उसमें 280 आरोपी को इसका लाभ मिला है। और जिला राजनांदगांव में हम लोग प्राथमिकता के आधार पर कलेक्टर सर के निर्देश पर सभी मामलों को वापस कराने में सफल हो गए हैं, और यह प्रक्रिया वर्ष 2019 से चल रही थी, जो अभी पूरी हो चुकी है। राजनांदगांव जिले में इस प्रक्रिया के तहत 198 आबकारी के और 5 माओवादी मामलों में दर्ज प्रकरणों को वापस लिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओलंपिक खेलों में 23 साल की भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी। अब तक 48,52,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। राज्य सरकार द्वारा लिए गए कर्ज और हाथियों के चारे के लिए खराब धान खरीदने के निर्णय को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप। और प्रदेश के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के खिलाफ दर्ज सूक्ष्म मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू। राजनांदगांव जिले में 245 प्रकरण वापस लिए गए। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।